गोवर्धन व्रत कथा। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन अन्नकूट व्रत कथा को सुनने से सभी के संकट टल जाते हैं और उनको अपने सभी कार्यों में उत्तम फल प्राप्त होते हैं। आइए अब हम इस कथा का श्रवण भक्ति भाव से करें। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते हुए गोवर्धन पर्वत जा पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि पूरे ब्रज में उत्सव का माहौल है। घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने इसका कारण जानना चाहा, तो वहां उपस्थित गोपियों ने उनसे कहा, आज यहाँ ये उत्सव मेघ व देवों के स्वामी वकासुर संहारक देवराज इंद्रदेव के लिए है। आज उनकी पूजा होगी और फिर इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। फलस्वरूप खेतों में अन्न उत्पन्न होगा और ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। यह सुन श्री कृष्ण सबसे बोले, उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री को स्वीकार करे। इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो गोवर्धन पर्वत है, जिनके कारण यहाँ वर्षा होती है, और सबको इंद्र से भी बलशाली गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर सभी गोवर्धन की पूजा करने लगे। जब ये बात इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर मूसलाधार बारिश करें। भयावह बारिश से भयभीत होकर सभी गोपियां ग्वाले श्री कृष्ण के पास आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, इंद्रदेव हमारी नगरी को डुबोना चाहते हैं। कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने के लिए कहा। सभी गोपियां ग्वाले अपने पशुओं समेत गोवर्धन की तराई में आ गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर उठाकर छाते सा तान दिया। इंद्रदेव के मेघ 7 दिन तक निरंतर बरसते रहे, किंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी बोले, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। सत्यजान इंद्रदेव श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को चूर चूर कर दिया था, अतः उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा किया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमि तल पर रखा और ब्रजवासियों से कहा, अब से हर वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाइए। तभी से ये पर्व प्रचलित है और आज भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से मनाया जाता है। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय।